समय चल रहा है, आखिरी हफ्ता 26-27 हो गया आज, तो हम लोग फिर से निकल पड़े हैं। और इस बार हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है ऋषभ। ऋषभ जो है वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा गांव है, जहां पे हम लोग जाएंगे इस बार घूमने। और गाड़ी में सियालदह स्टेशन में जा रहे हैं, यहाँ से दार्जिलिंग में 10 बजे का, और कल सुबह पहुंचेंगे हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। वहां से फिर आगे की जर्नी तय करेंगे बाय कार। सो बने रहिए हमारे साथ ऋषभ के इस रोमांचक सफर के लिए। सो हम लोग आ गए हैं सियालदह स्टेशन में। यहाँ जैसा हम लोग रेगुलर देखते हैं उतना भीड़ नहीं है, उससे कम ही भीड़ है। तो कोविड के सिचुएशन में थोड़ा कम भीड़ है, मगर वरना बहुत भीड़ होता है, फिलहाल तो उतना नहीं है। तो हमारी ट्रेन आने वाली है 10 बजे, मतलब 10 बजे छूटने वाली है, उससे पहले 9-9:30 बजे तक तो दे देगा प्लेटफॉर्म। तो कहाँ देते देखते हम लोग 9 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने खड़े हैं, अगर कहाँ देंगे देखते हैं। तो हम स्टेशन पे आ गए हैं और ये पीछे हमारे दार्जिलिंग मेल, बहुत ही सुंदर बॉगेज दिया हुआ है अभी फिलहाल। कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद हम पहली बार सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, तो इतना अच्छा बॉगी पहले था नहीं, अभी फिलहाल तो बहुत सुंदर बॉगीज दिया हुआ है। अंदर का बहुत सुंदर एटमोसफेयर है और दिखने से लग रहा है सैनिटाइजेशन हुआ है। तो आगे अंदर का थोड़ा जगह हम आपको दिखाएंगे कैसा है। फिलहाल बाहर आप देख लीजिए पूरा लाल, जैसा पहले चलता था दार्जिलिंग में वैसे ही दिया हुआ है, एकदम फ्रेश 2019 का जो बॉगीज है वो दिया हुआ है। और इसी में हम जाएंगे, 10 मिनट में ट्रेन छूटने वाला है स्टेशन से, छूट चुका है। और हम लोग अभी फिलहाल ट्रेन में बैठे हुए और खाना खा रहे हैं, ये चिकन रोटी हम खा रहे हैं क्योंकि 10:30-11 बज रहे थे। अभी सामने बर्धमान स्टेशन आएगा तो खा लेते हैं, खा के थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे और रात को सो जाएंगे। फिर कल सुबह एनजीपी स्टेशन उतर के बाकी वहाँ से आगे की जर्नी तय करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल नहीं, फिर कल सुबह जब हम एनजीपी स्टेशन उतरेंगे वहाँ से नेक्स्ट ब्लॉक चालू होगा। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी। तो हम लोग पहुंच गए न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन करीब, अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म में जस्ट लगने वाला है। सो हम लोग अभी खड़े हुए हैं गेट के ऊपर, खड़ा तो रहना नहीं चाहिए, ये ब्रिज क्रॉस करेंगे और आगे जाएंगे। हम लोग स्टेशन पे उतर गए हैं, लगेज वगैरह सब ले लिया, बाहर जाएंगे और बाहर जाके गाड़ी लेके ऊपर जाएंगे। आइए, इतना भीड़ है मत कहिए, सीढ़ी चढ़ने चढ़ने लाइन देना पड़ा है सीढ़ी चढ़ते हुए। तो सीढ़ी चढ़ के आ गए, आपको पीछे का नजारा हम दिखा रहे हैं कैसा है।
देखिए इतना भीड़ है पूरा सब, ज्यादातर आदमी सब दार्जिलिंग के लिए निकल रहे हैं, सिक्किम संदकपुर ट्रेक बहुत जगह जा रहे हैं। यहाँ से एनजेपी जंक्शन है नॉर्थ बंगाल का, आपको जहाँ जाना है यहाँ से जा सकते हैं। हम लोग तो फिलहाल जाएंगे ऋषभ, बाहर जाके गाड़ी वाड़ी सेट करेंगे फिर जाएंगे। गाड़ी लेके हम लोग निकल रहे हैं और फिलहाल तो गाड़ी में है, सामने तीस्ता बैरेज आ रहा है। तीस्ता बैरेज में सामने तीस्ता बैरेज दे रहा है, वहाँ पे हम लोग हाईवे देखे गोरुबा थाने होके ऊपर जाएंगे। पीछे बैठे ये और भी बैठा हुआ है, सामने सब मौसमी सब बैठे हुए, एक गाड़ी काका बैठा है, काका बैठा हुआ है इधर, काका चबा रहा है और एक गाड़ी आगे गया है, उसमें भी बाकी 8-10 जन है बच्चे लेके। ये रहा तीस्ता बैरेज, तो हम लोग आ गए हैं तीस्ता बैरेज में। ये देखिए बैरेज, पानी फिलहाल तो है नहीं, सब रुका हुआ है बैरेज में पानी, बैरेज के उस पार शायद उधर पानी मिलेगा। धीरे धीरे चलते रास्ते में गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, देखिए देखिए। पूरा देखिए सूखा हुआ है बैरेज में, कुछ नहीं पानी, इधर पूरा पानी भरा हुआ है बैरेज, ऐसा ही होता है। ये देखिए इधर पूरा पानी पानी, पूरा जहाँ तक दिखाई दे रहा पूरा पानी बैरेज में, और इधर पूरा सूखा हुआ। तो एनजेपी स्टेशन से निकले हमको करीब करीब आधा घंटा हो गया है, और हम लोग लुक से मत जाइए, बाल बाल थोड़ा खराब है कि हवा चल रहा है, बाल पूरा मतलब इधर उधर हो गया, बिखर गया है, और मेरा तो बाल बढ़ भी गया है। तो ऐसा है कि पीछे देखिए तीस्ता बैरेज में पानी है, और इधर तीस्ता बैरेज सूखा पूरा, इधर पानी नहीं है और बैरेज में इधर पूरा पानी ही पानी है। तो हम लोग यहाँ थोड़े देर रुके हैं, बैरेज का मजा उठाएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर आगे की जर्नी तय करेंगे टूवर्ड्स गोरुबथाने होके हम लोग जाएंगे ऋषभ। ये रास्ता हाईवे है और यहाँ बहुत बढ़िया है। तीस्ता बैरेज में हम लोग खाना खाने बैठे, तो खाना वही हम लोग का पहाड़ का रेगुलर वाला मैगी, सब मैगी खा रहे हैं, मैगी वैगी खा के यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का खाना पीना हो गया, ये हम लोग का गरीब का टाटा सुमो है, सब वीडियो कॉल में है दोस्त लोग। तो अभी हम लोग गाड़ी में जाके थोड़ा साइड सीन करेंगे यहाँ से, छोटा छोटा जो गुरुबा थाने का आजू बाजू साइड सीन है, और फिर करके यहाँ पे यहाँ पे हम लोग थोड़े रुके हैं, मोमो खाएंगे। ये झरना ऊपर से बहता हुआ सुंदर नजारा, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी हम थोड़ा घूमते घूमते बहुत ही ऊपर आ गए, करीब करीब लावा के पास पहुंच गए, और
देखिए बहुत सुंदर है। धीरे धीरे ऊंचा छा रहा है क्योंकि करीब करीब दो ढाई बजने को, और हम पहले भी बता चुके हूँ कि मैंने पहाड़ में 12 बजे के बाद धीरे 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 क्लाउडी हो जाता है पहाड़, तो इसलिए आपको जब भी पहाड़ में घूमना हो या कुछ करना हो तो 12 बजे के पहले ही निकल जाइए और कोशिश कीजिए कि 12 बजे के पहले ही। ऊपर पर्वत में ऐसा नहीं हो रहा है मगर पहाड़ी में 3000 मीटर के ऊपर नहीं होता, मगर उसके नीचे ऐसा होता है। 3000 मीटर के ऊपर भी होता है मगर थोड़ा उसमें टाइम लगता है, 3:30-4 बज जाता है, और यहाँ 12 बजे के बाद 1:30 बजे में ही हो जाता है। सो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे लावा मोनेस्ट्री, वहाँ मोनेस्ट्री देख के फिर जो कॉटेज हमने बुक किया है आइसक्रीम कॉटेज वहाँ पे जाएंगे ऋषभ में, और आज का रात वहीं रुकेंगे और कल भी वहीं रुकेंगे साइट सीन करने के बाद, लावा लोले और साइट सीन करेंगे और वहीं पे रुकेंगे। सो आज का तो जर्नी बहुत ही अच्छा था, रास्ता बीच में थोड़ा ख़राब था गुरु बताने से पहले, जब वहाँ से घुसते अंदर से मतलब आपका तिस्ता बाजार से जब निकले तिस्ता बैरेज से सॉरी वहाँ उसके बाद रास्ता बहुत ख़राब था, बहुत ही ख़राब, मतलब रास्ता का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था और पूरा कीचड़ मिट्टी। या ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। यहाँ पे अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, हल्की हल्की हवा चल रही है देखने से पता चल रहा है, जुल्फे उठ रही है। सो करीब करीब हम आ गए लावा के लिए, मॉनेस्ट्री दिखाते हैं आपको। तो करीब करीब 3 घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं लावा मॉनेस्ट्री। ये पीछे मेरा लावा मॉनेस्ट्री था, आप देख सकते हैं ये लावा मॉनेस्ट्री, और ये मॉनेस्ट्री अभी हम अंदर जाएंगे मॉनेस्ट्री देखेंगे, फिर यहाँ से ऋषभ के लिए रवाना होंगे। यहाँ से ऋषभ बस थोड़े 10-12 किलोमीटर डिस्टेंस है और आधा घंटा लगेगा। अभी करीब करीब 2:45 बज रहे हैं, हम लोग बीच में बहुत जगह साइट सीन के लिए रुके थे। चलिए लावा मॉनेस्ट्री का लुत्फ उठाते हैं। चढ़ाई कर रहे हैं, रास्ता जो खराब होना ज़्यादा था वो भी बहुत सुंदर बन गया है। ये देखिए कितना सुंदर बाइक का मौसम लग रहा फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं आइस व्यू कॉटेज, ये ऊपर आइस व्यू कॉटेज और ये सामने वैली का नज़ारा, और यहाँ से और सुंदर दिखेगा वैली यहाँ से। तो चलिए कॉटेज दिखाते हैं आपको, पहले बैग उतार लेते हैं गाड़ी से फिर कॉटेज दिखाते हैं। रूम ले लिए है और अभी तो हालत बहुत खस्ता है, कल से नहाया धोया नहीं है ठीक से, ट्रेन में ट्रेवल करते हुए आ रहे। और ये यहाँ से व्यू पॉइंट है, यहाँ से दूर कंचने का दिखाई देगा, यहाँ से व्यू पॉइंट है। और हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने, खाना खा लेते, खाना खाने के बाद फिर इलाके का जायगा लेंगे। बहुत सुंदर जगह है, सुंदर, मैंने ऋषभ मैं अभी मेरे लाइफ में पहली बार आया तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है मुझे लगा। और यहाँ पे नीचे ये जो कॉटेज है यहाँ पे
चिकन मिलता है, हमने चिकन का ऑर्डर दे दिया है रात को कैंप फायर के लिए, और बारबेक्यू बना के हम खाएंगे, वहाँ ऑर्डर हमने दे दिया है। और हाँ, और ये आइस व्यू कॉटेज जहाँ पे हम हमारा बाकी टीम ठहरा हुआ है, मैं थोड़ा पीछे वाला कॉटेज में ठहरा हूँ क्योंकि रूम नहीं यहाँ से अवेलेबल था। और ये सुंदर नज़ारा वैली का, बहुत ही सुंदर, एक कैसे क्लाउड ऊपर छाया हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। चलिए खाना खाते हैं। तो खाना वाना खा के हम आ गए, हम अंडा करी, गरम गरम दाल चावल सब खा के आ गए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है व्यू पॉइंट, यहाँ से थोड़ी देर पहले ही कंचनजंगा वहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे कुछ फिलहाल तो दिख नहीं रहा है, मगर सुबह ज़रूर हम देखेंगे। और ये मेरा रूम है, ये वाला मेरा रूम है, ये सनराइज होम स्टे है, अच्छा है, एकदम व्यू पॉइंट के सामने है। और मेरा बाकी टीममेट सब वहाँ आइस व्यू में है। तो चलिए थोड़ा व्यू पॉइंट से घूम के आते हैं, देखते व्यू पॉइंट कैसा है। ठंडा यहाँ पे खासी है अभी फिलहाल, पता नहीं 7-8 डिग्री की टेम्परेचर तो होगा ही। ये नीचे पूरा व्यू पॉइंट, और वो सामने जहाँ पे क्लाउड दिख रहा है वहीं पे कंचनजंगा था, वही सामने पहाड़ी। तो यहाँ पे तो शाम हो गया है, 6:30 बज रहे, और पीछे यहाँ पे शायद थोड़ा थोड़ा आपको लाइट दिखाई देगा। देखिए ये कालिंगपोंग शहर है, थोड़ा थोड़ा लाइट दिखाई देगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कैमरा में अच्छा नहीं आ रहा। तो हम अभी फिलहाल चिकन लाने बोले, बारबेक्यू बनाएंगे और थोड़ा यहाँ पे कैंप फायर का मजा उठाएंगे, फिर कल सुबह यही स्पॉट है, ये आपका सनराइज व्यू पॉइंट है, यहाँ से सामने कंचनजंगा दिखता है उधर पीछे, और यहाँ से जितना अर्ली हो सके 5 बजे यहाँ के सनराइज का मजा लेंगे। और रात में अगर देखेंगे तो फुल मून का अगर मजा ले सकते हैं तो आएंगे जरूर। और कल का प्लान अभी फिलहाल जो है सभी बंद है, मतलब कैनोपी वॉक और लावा मॉनेस्ट्री तो बंद ही था, कैनोपी वॉक भी बंद है, देखेंगे अगर लामाहाटा जा सकते तो जाएंगे, वरना यहाँ पीछे सिर्फ नेवड़ा वैली नेशनल पार्क से घूम के वापस आ जाएंगे और कुछ नहीं। फिर रेस्ट करेंगे कल, फिर परसों निकलेंगे मतलब लेपचे जगत के लिए। यहाँ पर प्रेजेंट टेम्परेचर जैसा है मेरे हिसाब से आपका 7.5 टेम्परेचर है, 1 डिग्री आगे पीछे पकड़ के चलिए, मतलब 6 फिर पकड़ के चलिए। सो ठीक है, कैंप फायर लगाते फिर बात करते हैं आप सकते। तो आग जला लिया, बाकी सब धीरे धीरे आएंगे एक एक करके, ये लगा कैंप फायर बढ़िया है, सब एक एक करके ऊपर से आ रहे हैं। यहाँ पे हम चिकन भी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे चिकन बना के कैसे बनता है, ईटा उटा लगाएंगे। फिलहाल तो आग जला लिए, अभी धीरे धीरे काम करेंगे। हम लोग ने कैंप फायर किया, चिकन बनाया, चिकन खाया, और फिलहाल अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो बहुत ही इंजॉय किया। और कल सुबह शायद साइट सीन के लिए निकलेंगे, और शायद नहीं भी निकल सकते, पता नहीं क्या होगा, मगर फिलहाल तो घर में रूम में आ गए हैं, और अभी तैयारी हो रहा है कि कैसे सोया जाए, क्योंकि यहाँ के बहुत कड़क ठंडा है। अभी मान लीजिए कि करीब करीब 0 के आसपास, बाहर खड़ा नहीं रहा जा रहा है। तो जो भी हो, जैसा भी हो, फिलहाल के लिए आज के लिए ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, फिर मिलेंगे कल सुबह सनराइज के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल पॉर्न स्टेटस क्लब, और
ज़रूरी बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल के लिए आज के लिए बाय बाय।